हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या सब्जी बनाएं जो जल्दी से बन भी जाए और खाने में भी टेस्टी हो, तो वही आज मैं आपके लिए प्याज और मलाई से बनी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम बनाएंगे राजस्थानी स्टाइल में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे न्यू रेसिपीज वीडियो आप तक मिलते रहें। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मलाई और प्याज की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्याज ले ली है, जिसे मैंने छील लिया है और छील करके अच्छी तरह से वॉश किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 3 हरी मिर्च, 2 तेज पत्ते और मैंने यहाँ पे किसा हुआ अदरक लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है 2 सूखी लाल मिर्च। यहाँ मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को यूज़ किया है, जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है। यहाँ एक बाउल में मैंने मलाई ले ली है। ये घर की दूध के ऊपर की बनी हुई जो मलाई है, बस मैंने वही लिया हुआ है। बस ध्यान रहे कि मलाई जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, आप कोई भी मार्केट वाली फ्रेश क्रीम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ प्याज को कट कर लेते हैं। इसको हम पार्ट्स में कट करेंगे और इसके हम 3 पार्ट्स करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको 4 पार्ट्स में कट कीजिए। अब ले लेते हैं यहाँ पर हम एक प्लेट और सभी प्याज को इसी तरह से कट करके रखते जाएंगे। तो इस प्याज के हम 4 पार्ट्स कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा छोटी प्याज है तो आप उसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स कीजिए, ताकि उसकी जो परतें हैं वो बहुत ही अच्छे से सब्जी में दिखें। तो अब हम यहाँ पर सभी प्याज को कट करके रख लेते हैं। अब इस लास्ट प्याज को भी हम कट करके रख लेते हैं, इसके भी हम 4 पार्ट्स करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हमने सभी प्याज को अच्छी तरह से 4 पार्ट्स में कट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पर हमने गैस में पैन गरम होने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। यहाँ पर मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल का ही यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। ये सरसों के तेल में भी बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल से भी इसे बना सकते हैं। अब इसको हम गर्म होने देते हैं। आप यहाँ पर ऑयल को आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हींग। हींग से भी जो है सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। अब उसमें हम डाल देते हैं 2 तेज पत्ते। ये छोटे पत्ते हैं इसलिए हमने 2 लिए हैं, अदरवाइज आप 1 भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा जला लेते हैं। अब उसमें हम ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। तो ये हम इसमें डाल देते हैं और इसको चला लेते हैं, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सब्जी के अंदर में। आप चाहे तो यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने कट की हुई प्याज थी, वो इसमें हम डाल करके इसे अब चला लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह चलाते हुए फ्राई करेंगे, ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि हमें इसकी सब्जी बनाना है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे हमें बिल्कुल हल्का सा ही होने देना है, ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर फ्राई करते हुए जो प्याज की परतें हैं वो कितनी अच्छी तरह से अपने आप ही ओपन हो रही हैं। बस हम अब इसे थोड़ी देर के लिए और होने देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्याज है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, उसका कलर भी हल्का सा ब्राउन सा आ गया है। अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जितना तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग मिर्च को डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गर्म मसाला। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 1.25 चम्मच नमक। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। और इसे अब हम चला लेते हैं, ताकि सारे ड्राई मसाले प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च जो हमने ली हुई थी, और इसे वापस से चला लेते हैं। अभी राजस्थानी डिश है तो थोड़ी सी चटपटी सी तो बनेगी ही। अब सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे मलाई, जिससे इसे सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया सा आ जाएगा। अब इसको अच्छे से चला लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आप यहाँ पे मार्केट वाली फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ढक करके हम 1 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं, ताकि इसका जो ऑयल है, घी है मलाई का, वो उसकी एजेस पे दिखने लगे। और उसके बाद फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसको हम कवर कर देते हैं
और इसको हम एक मिनट के लिए इसी तरह से होने देते हैं। अब यहाँ एक मिनट हो गया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मलाई ने अपना ऑयल छोड़ दिया है इसकी एजेस पे, आप देख सकते हैं। इसे वापस एक बार चला लेते हैं। अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। वो हम इसमें लास्ट में इसलिए ऐड कर रहे हैं, अगर हम इसमें बीच में डाल देते हैं मसालों के तो वो जल सकता है, इसलिए हम इसे सबसे लास्ट में डालेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक चम्मच आमचूर पाउडर, एक अच्छे से फ्लेवर के लिए, एक टेस्ट के लिए। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है इसे डालने से। ये वैसे तो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, इसे वैसे भी बना सकते हैं। अब उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया के बिना तो कोई भी सब्ज़ी अधूरी होती है। इसे वापस एक बार और चला लेते हैं और अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी मलाई और प्याज की सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। तो देखिए कितने फटाफट और कितने ईजीली बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई सब्जी नहीं समझ में आ रही है तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार होती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप इसे पराठे के साथ में या फिर आप इसे चपाती के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।